बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द दीजिए तो आप, दिक्कत ना दो। पहले तो तय दिल से शुक्रगुजार हूँ पूरे आवाम का कि इतना ढेर सारा प्यार दिए, जबकि घर के अंदर हल्के में ले रहे थे, कॉर्नर कर दिए थे कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ तक का आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो तय दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जितने भी आवाम है, जिसको भी मेरी हैदराबादी पसंद आई, जो जो भी था रियल था, ओरिजिनल था, तो यहाँ तक का लाए, आप सबका तय दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर, आप जैसे कि बोले बिग बॉस के घर में तो साइड में कर दिए जाते, लेकिन आपको जनता का बहुत सारा प्यार मिला और आप टॉप फाइव में थे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? टॉप फाइव में अपने आप में एक बड़ी बात है, एक ही बात बोलूँ सौ बात की एक बात, कि घर में हल्के में ले लिए थे, बाजुक कर दिए थे एकदम, कि टॉप फाइव तक आया, जितना भी आया मैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से आया, तो अंदर बेहतरीन एक गीला पचकड़ दे के आया जो भी मेरे को हल्के में ले रहे थे। और ख़ासकर मैं नारी शक्ति जो भी है, नारी एक नारी सब पे भारी, घर के जितने भी बहना है, माँ है, जितने भी बड़े माँ है, छोटे माँ है, सबका मैं आशीर्वाद है मेरे साथ, उन लोगों की दुआएं, उन लोगों के प्यार है, तो इसी कारण वो लोग जो वोट करे हैं अपने आप में मेरे को एक अलग, आप देख सकते हैं अंकिता जी और विक्की भाई में, विक्की भाई जब इविक्ट हुए थे और मैं देखा, एक तो खुशी थी, लेकिन फिर बाजू देखा कि एक कपल जुदा हो रहा, तो मैं खुशी को और बड़े लेवल पर नहीं लेकर गया ऊपर, क्योंकि एक कपल जुदा हो रहा तो वो चीज़ को रेस्पेक्ट रखते हुए मैं हर जगह अपनी डिग्निटी मेंटेन करा, सिर उठा के आया था और सिर उठा के जा रहा हूँ। आपने कहा कि आपको हल्के में लिया गया, आपको क्या लगा, आपको कौन लगा कि आपको हल्के में ज़्यादा है? खासकर सना और उसके अलावा अंकिता जी और विक्की भाई और एक्स वाई जेड बहुत जने थे, जब जब मौका मिला, जब जब इंजेक्शन लगाए थे, मेरे को बदतमीज़ है, वो है, ये है, आड़े टेढ़े बातें जो बोले थे, बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता। सलमान भाई आके एक वीकेंड के वार पे बोले कि इनकी लहजा ऐसा है, इनका स्टाइल ऐसा है, जबकि सलमान भाई की जो पिक्चर थी तेरे नाम, वो अपने हैदराबाद में हुई, तो उनको पूरा मालूम है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सलमान भाई का जो आके बोले हैं। इसके अलावा तब्बू मैम भी जो हैदराबादी में बात करे हैं, खुशी मिली भाई मेरे को। आप कितना डिसअपॉइंट हुए? किस बारे में? में अरे मसला नहीं, देखो एक तो तहलका भाई को जीत के जा रहा हूँ और जितने भी आवाम हैं इन सबके दिल में जगह बना के जा रहा हूँ, इससे बढ़ के क्या होना भाई, ट्रॉफी तो ट्रॉफी रहती है एक चीज़, वो जीतो या ना जीतो, लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ी बात है, वो जीत के जा रहा हूँ, बहुत शुक्रगुजार। आपको लगा देखो टॉप फाइव में अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को जीत में देखता, बहरहाल मैं नहीं जीता कोई मसला नहीं है, लेकिन मुनव्वर भाई अगर जीते हैं तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन है, उनके हाथ में वोटिंग का मसला है, अगर वो लोग अगर मुनव्वर को जिताएं तो कहीं ना कहीं ही डिजर्व, बिकॉज वो दिलों में राज किया है। आपके अलावा आपको क्या लगा था कौन जीतना चाहिए? मेरे अलावा अगर मैं अपने आप में अगर हटाऊं टॉप फाइव में और देखूं तो मैं मनारा एंड अंकिता जी को टॉप टू में देखता था। थैंक यू सर।